आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं नीलम मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन खबरों की तहतर। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। भारत ने ओडिशा के तट से दो पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलों का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली दो मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय दिग्गज धावक मिल्खा सिंह आज अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ गेम में 1 गोल्ड जीतने वाले मिल्खा सिंह की रफ्तार की दुनिया दीवानी थी। द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर इस दिग्गज को भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान समेत हर कोने से प्यार और समर्थन मिला। 3 बार के ओलंपिक मिल्खा का जन्म अविभाजित भारत के गोविंदपुरा वर्तमान पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन वह आजादी के बाद हिंदुस्तान आ गए। मिल्खा की प्रतिभा और रफ्तार का यह जलवा था कि उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल अयूब खान ने ही द फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। मिल्खा के जीवन पर बनी फिल्म में भी इस घटना को दिखाया गया है, जब पाकिस्तान के स्टेडियम में मिल्खा नाम गूंजने लगा था। लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान की चोटी के धावक अब्दुल खालिक को हराया था। उन दिनों तनावपूर्ण माहौल में भी स्टेडियम मिल्खा की जीत में झूमने लगा। दौड़ के बाद मिल्खा सिंह को पदक पहनाते हुए अयूब खान ने कंधा थपथपाकर कहा, आज मिल्खा दौड़ नहीं उड़ रहे थे, इसलिए हम उन्हें फ्लाइंग सिख के खिताब से नजराना देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने DHFL हाउसिंग कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के निदेशक मंडल के स्थान पर कंपनी का कामकाज चलाने के लिए प्रशासक बैठाया है। RBI ने कहा कि उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक DHFL के समाधान पेशेवर होंगे। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। गौरतलब है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL पर गलत तरीके से फंड डाइवर्जन की वजह से 1,00,000 जमाकर्ताओं का फिक्स डिपॉजिट खतरे में है। यह देश की चौथी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रही है, लेकिन इन दिनों DHFL संकट में है। अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ED की जाँच का सामना कर रही है। आरोप है कि इस कंपनी के ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के सहयोगी रहे इकबाल मिर्ची से लिंक है। कंपनी पर फंड डाइवर्जन के आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा भी जांच शुरू की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी से जुड़े सभी भुगतानों को रोका जा सकता है। इसका सीधा असर फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स पर पड़ेगा। इनमें अधिकांश सेवानिवृत्त हैं, जिन्होंने अपने जीवन की बड़ी बचत DHFL में निवेश की हुई है। मोबाइल फोन छीनने वाले गैंग के सरगना सहित 2 लुटेरों को मोहनलालगंज पुलिस ने आज धर दबोचा। राह चलते मोबाइल छीनने की घटनाओं को देते थे यह अंजाम। शाह खर्ची व महंगे शौक ने बनाया था लुटेरा। लखनऊ जनपद के कई थाना क्षेत्रों में छीने गए 14 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए। मोहनलालगंज इंस्पेक्टर GD शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। मोहनलालगंज से हमारे संवाददाता विजय चंद तिवारी की रिपोर्ट। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं KK कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन खबरों की तहतर।